غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। आज से तुम नहीं रहे मेरे बेटे, तुम्हारी नस्लें खत्म कर दूंगा मैं। सरदार अर्तुरुल, ताखिर ना करें। तुर्गुत। जी भाई। मुजरिम को लेकर आओ। उरार, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं बाबा, मुझे जाना होगा और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। नहीं, अगर तुम मेरे हाथों से बच गए तो मेरी औलाद तुम्हें अंजाम तक पहुंचाएगी। आपकी औलाद आपकी तरह नहीं होगी भाई। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। उरार। बाबा। उरार। बाबा, बाबा? हाँ? बाबा? 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 मेरी बेटी, तुम अकेली रह जाओगी। हमारी तरफ से तुम्हें इंतकाम लेना है। बाबा, बाबा, बाबा! आर्तुक भाई। बाबा! नहीं, बाबा, 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 बाबा। भाई सरदार जानदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। याद रखना मेरी बात, बस नहीं पाओगे तुम दोनों। अपनी मौत की भीख मांगोगे तुम लोग, याद रखना। अर्तुरुल, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, कोई तुम्हारा नाम लेवा नहीं होगा। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, कहा था मैंने, उस कीमत की अदायगी शुरू हो गई। कातिल, कातिल! मेरे बाबा को मार डाला, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। असलेहान! कसम खाती हूँ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बाबा का इंतकाम लेकर आऊंगी मैं। असलेहान! मैं इस शख्स की जान ले लूंगी। तुम भी मरोगे अर्तुरुल, मैं ऐसे जिंदा नहीं। इबरतनाक अंजाम होगा तुम्हारा।
कातिल! बस करो असलिहान, बस करो। अगर मुझसे शादी करना चाहते हैं तो इस फैसले को रुकवाना होगा मीरसादुद्दीन। अपने बाबा के बाद मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती। अगर आज उसे कुछ हो गया तो आप मुझे भी मुर्दा समझिएगा। पीछे हटो बाबा। बहुत हो गया। रोक तो अभी सब। काजी हजरत, मुतालबा है कि जनाजे की तदफीन तक इस सजा को मौखर कर दिया जाए। मेरा सरदार आजम गुजर गया, हम अफसोस में हैं। इस वक्त ये सजा देना मुनासिब नहीं। फिलहाल सजाए मौत को मौखर किया जाता है। उराल को सजाए मौत सरदार जानदार की तदफीन के बाद दी जाएगी। सरदार अर्तुरुल, मुजरिम को सजा होने तक सराय में कैद रखा जाए, इसकी हिफाजत के जिम्मेदार आप होंगे। तुर्गुत, मुजरिम को ले जाओ। सिपाहियों, अंदर ले चलो जसदे खाकी। नहीं, हरगिज नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे बाबा को, कोई भी नहीं। इस मनहूस सराय में नहीं जाएंगे, कभी नहीं। अर्तुरुल साहब, जानदार साहब की मैयत उनके कबीले जाएगी, आप जरूरी इंतजाम कीजिए। तुंदार, हेलेना, आप हमें चलना चाहिए। मैं आती हूं कुछ देर में। ले जाओ इस कातिल को यहां से। भीख मांगोगे तुम अर्तुरुल,
मैं इस सराय को तुम्हारा मकबरा बना दूंगा। ये सब अच्छा नहीं हुआ आर्तुक भाई। अल्लाह उनके गुनाहों की मगफिरत फरमाए। चावदार कबीला हमसे और भी नफरत करेगा भाई। तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे अर्तुरुल। उनका सरदार नहीं रहा आप, मुस्तकबिल का इन्हिसार नए सरदार पर है। सुन रहे हो तुम अर्तुरुल? सबसे पहले औराल को सजा देना जरूरी है वालिदा, लेकिन तब तक इसे काबू में रखना होगा। कुपैक और औराल की ख्वाहिश होगी कि इस वाकये का फायदा उठाए। वालिदा आप यहीं रुके, मसला बढ़ने ना पाए। बाबा का इंतकाम लेने पर मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं अर्तुरुल साहब। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है लेना। कातिलों को तो ढूंढ लिया है ना, जल्द उन्हें सजा भी हो जाएगी। किसी पर भरोसा नहीं करना, तुम्हें वैसीलियस से बहुत मोहतात रहना होगा। लास्कर इसके साथ क्या हुआ यह जानना है। मैं तैयार हूं कमांडर वैसीलियस, चलते हैं हम। जमींदार का कातिल पकड़ लिया हमने, अब अमनो सुकून कायम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अमनो सुकून? ये तो तुम लोग हो जो दुश्मन हो अमनो सुकून के। तुम लोगों को अगर खाने के लिए हड्डियां दे भी दी जाए तो फिर भी आपस में लड़ते ही रहोगे। क्या तुम लोग अमनो सुकून कायम करोगे? तुम क्या जानो अमनो सुकून क्या है? मुझे और ना हंसाओ अर्तुरुल। मेरी आंखें तुम पर ही लगी रहेंगी कमांडर वैसीलियस। और मेरी भी अर्तुरुल सरदार। चलो हेलेना। मुझे बहुत अफसोस है आलियार साहब। शुक्रिया भाई, दुआ कीजिएगा भाई। क्या हमने कुछ गलत किया है भाई? इंसाफ का बोझ क्या इतना ज्यादा होता है? इंसाफ दो धारी तलवार होती है आलियार साहब, ये थामने वाले का हाथ भी काट सकती है। सब्र से काम लेना होगा।
तो तुमने खुद साख्ता अदालत के जरिए एक अजीम कबीले को घुटनों के बल चुका दिया। और तुमने एक कबीले को बगैर सरदार के बेबसों मजबूर कर दिया। मकसद हासिल हो गया तुम्हारा। तुर्क कबाइल को अंदर से खाने वाले आदमी को उसके अंजाम तक पहुंचाया है मैंने अमीर सादतिन। हमारे सुल्तान चाहते हैं कि हम जंग के लिए हर वक्त तैयार रहें, खुद को अमन के दिनों में मजबूत रखें और हमेशा आपस में मुत्तहिद रहें। इस राह में रुकावट इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। माना के रुकावट दूर करना चाहते हो तुम, मगर इसके लिए कबाइल को क्यों मुस्तरिब कर रहे हो? सियासत के दाव पेच से भी काम चलाया जा सकता है। इतने दुश्मनों की मौजूदगी में तुम्हारा कबीला कैसे महफूज रहेगा और किस तरह अमन सुकून कायम हो सकेगा? अल्लाह के दोस्तों को किसी चीज का खौफ नहीं होता अमीर सादतिन। वो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते हैं और उसी की नाराजगी से खौफजदा रहते हैं। वो दुनिया और आखिरत में सिर्फ उसी की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। ना तो हमारी सफों में छुपे दुश्मन और ना हम में मौजूद मुनाफिकीन हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। मलून, मैं इंतकाम दूंगा तुमसे, याद रखना। भाई ने अगर इजाजत दी होती तो इसकी गर्दन उड़ा देता। अगर इतने बहादुर हो तो मेरा सामना करो। अर्तुरुल, खामोश हो जाओ मलून। तुर्कुत शैतान, क्या ये तुम हो? अगर इतने बहादुर हो तो मेरा सामना करो। मरने से पहले चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अंजाम तक पहुंचा दूं। तुर्कुत, खोलो दरवाजा। भाई, मुझे निपटने दे इससे। तुम क्या करना चाहते हो तुर्कुत? वो हमारी हिफाजत में है, खोलो दरवाजा। मैं अंदर जाऊं तो बंद कर देना, मुझे बात करनी है उससे। तो तुम इतने बहादुर हो के मेरा सामना करने आ गए? हाँ, मेरे हाथ खोलो ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। या तो मुझे मार दो या मैं तुम्हें। कल हर सूरत तुम्हारा सर कलम करूंगा औरल,
इस वक्त तुम मेरी अमान में मौजूद एक मुजरिम हो। अगर अभी तक जिंदा हो तो इसकी वजह जानदार से। खामोश, मेरे बाबा का नाम आइंदा अपनी गंदी जुबान पर मत लाना। हाथ खोलो मेरे, फिर देखते हैं कि कौन किसका सर कलम करता है। जानदार साहब की तदफीन के बाद तुम्हारा कबीला सरदार मुंतखब करेगा। आलियार साहब सरदार बनेंगे तो चावदार कबीले का वकार बहाल होगा और वो एतबार भी हासिल करेंगे जिसके वो सही हकदार हैं। मैं तुम्हें अपने कबीले में मुदाखलत नहीं करने दूंगा, ना तो आलियार और ना ही तुम मेरे कबीले का कुछ बिगाड़ पाओगे। वो हर शय पर कादिर है उराल, वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। अब तुम अपने गुनाहों पर बख्शिश तलब करो अल्लाह से। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा, तुम्हारी नस्ल मिट जाएगी, लोग तुम्हारा नाम भूल जाएंगे। चावदार वाले मुझे कभी नहीं भूलेंगे, ना ही वो तुम्हें भुला पाएंगे। इंतकाम लेंगे तुमसे। चावदार कबीले के इस सरदार ने इज्जत और वकार के साथ हुकूमत की, कभी भी किसी को उसका हक देने से पीछे नहीं हटे। मरहूम जानदार साहब आज हमें छोड़ गए, हम सबको इनकी मौत का अफसोस है। आलियार साहब, चावदार कबीले के बहादुर मोजिस सरदारान, अगर हमें इस फानी दुनिया में हमेशा कयाम करना होता तो इस गम का बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन मेरे बाबा जानदार साहब इस फानी दुनिया से रुखसत होकर अबदी सादतों की जाने आजिम सफर हो चुके हैं। उनके प्यारे भी यकीनन उनसे वहां मुलाकात करेंगे। मौत बरहक है, मेरे बाबा ने पूरी उम्र कबीले के लिए वक्फ कर दी। इंशाल्लाह हम लोग भी उनके नक्शे कदम पर उनकी तरह हमेशा वकार से गामजन रहेंगे। उन्हें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह राजी हो उनसे। कल नमाज फज्र के बाद तदफीन करेंगे हम। जब तक नए सरदार का इंतखाब नहीं हो जाता आप लोग मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि सरदारी मुझे अता हुई है। मंजूर है। पहले वालदा और अब बाबा भी चले गए, वो मेरे लिए माँ और बाबा दोनों थे। उनके बगैर अब मैं क्या करूंगी भाभी।
मैं यतीम हो गई भाभी। मेरा क्या होगा असलेहान, उनके बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगी? इस दुनिया में तो अब मेरा कोई भी नहीं बचा। लेकिन तुम क्यों फिक्र करती हो? अमीर सादतीन एक अच्छे शोहर के साथ साथ अच्छे बाप भी साबित होंगे। इन बातों से क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाहती हैं? काश के तुम अर्तुरुल के बजाय उनसे मोहब्बत करती। उसके लिए तुम्हारे जज्बात ने हमें मुश्किलात से दोचार कर दिया है। सही कहा, आज मैं पछता रही हूं, लेकिन इस सब के लिए अर्तुरुल को सजा जरूर भुगतनी होगी। आइए वालिदा। औराल की चीखें पूरे सराय में गूंज रही हैं बेटा, बर्दाश्त करना मुश्किल है। मौत को अपने सामने देखकर एक वैशी कातिल भी अपने हवास खो बैठता है वालिदा। जैसे जैसे उसकी मौत करीब आएगी, उसकी पशेमानी बढ़ेगी। जानदार साहब की मौत के बाद वो बिल्कुल ही हवास को बैठा है। आखिर इंसान है वो भी, उसकी बीवी उम्मीद से है, वालिद गुजर चुके हैं। इस गम के साथ अपनी मौत का इंतजार करना बहुत मुश्किल है बेटा। क्या आज शब तुम उसे उसके कबीले में रात गुजारने की इजाजत दे सकते हो? मैं भी यही सोच रहा था। मुस्तरिब आदमी पे हमें रहम करना चाहिए। औराल को उसकी सजा मिलेगी, लेकिन अभी उस पर रहम करने का वक्त है। चाहते थे हम आपस में, लेकिन जानदार साहब की मौत ने सब बिगाड़ दिया। अब अर्तुरुल के साथ उनका कबीला इत्तेहाद कर लेगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इस सारे तुर्क कबाइल एक परचम तले मुत्तहिद हो जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कभी। यानी आलियार की मौत करीब आ गई है। ऐसा हुआ तो अर्तुरुल और मजबूत हो जाएगा अहमक। तो क्या करना चाहिए जनाब? बादशाह की तरफ से मक्तूब आया है कमांडर वेसिलियस।
हुक्म कीजिए भाई। सिपाही जमा करो तुर्कुत, उराल को उसके कबीले लेकर जाओगे तुम। मैं चाहता हूं यह रात वो अपने कबीले में गुजारे, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर होगी। जैसा आप कहें भाई। बादशाह ने नया जमींदार तैनात कर दिया है मुझे। यही तो हम चाहते थे जनाब। मेरा असल मकसद तुर्कों को इस इलाके से बाहर निकाल कर फेंक देना है। पेट्रोस, उनका कहना है कि जमींदार का कातिल सजा पा चुका है, मसला खत्म हो चुका है अब, लिहाजा मुझे अमन कायम करना चाहिए। किस कदर बुजदिल बादशाह है। हेलेना साहिब आपसे मिलना चाहती है कमांडर वेसिलियस। भेजो उसे। मेरा ख्याल है कि हेलेना को मुझे यहां नहीं देखना चाहिए। आओ हेलेना, अभी मुझे बादशाह की तरफ से मकतूब मौसूल हुआ है। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपते हुए जमींदार मुकर्रर कर दिया है। खुदावंद हमारे बादशाह की हिफाजत करे। मैं हमेशा आपकी खिदमत में रहूंगी। बाबा के गम में हो जानता हूं मैं, लेकिन शायद इस शोक के बाद तुम इस कले से चली जाओगी। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं जो निहायत अहम है। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो मेरे साथ, मत जाओ यहां से। यह जगह तुम्हारा घर है और मैं चाहता हूं कि मुझे भी अपने इस घर का हिस्सा बना लो तुम। तुर्कों के खिलाफ जंग में तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूं मैं। इस किले में बाबा ने बहुत अरसा गुजारा है कमांडर वेसिलियस, और यहां रहकर मैं यादों को ताजा करना चाहती हूं उनकी, बाबा की और हमारे बादशाह की ख्वाहिश के मुताबिक अमनो सुकून कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी मैं। खुदावंद तुम्हारी मदद करे। लास्कर इस जैसे कातिल के साथ तुम क्या करने वाले हो कमांडर वेसिलियस, मैं जानना चाहूंगी। तुम्हारे बाबा का कातिल अपने अंजाम को पहुंचेगा। लास्कर इस जैसे फितने को मैं किले से बाहर निकाल फेंकूंगा। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ कमांडर वेसिलियस। तुम परेशान मत हो, सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। दरवाजा खोलो। फितना, ये लफ्ज पसंद आया मुझे। अर्तुरुल को और आलियार को सिर्फ एक ही आदमी खत्म कर सकता है। कौन? उराल। उस उराल को आप सजा से कैसे बचाएंगे? मैं नहीं, तुम उसे बचाओगे। तुमने
बादशाह के अफसर आला को कत्ल किया है और इस बात की गवाह हेलेना यहां मौजूद है। अतराफ के तमाम कबाइल अभी पुरसकून हैं, लेकिन सब मुंतजिर हैं कि चावदार कबीले का नया सरदार कौन बनेगा। आलियार अगर सरदार बन जाए तो यह हमारे हक में बेहतर साबित होगा भाई। चावदार कबीला और काई कबीला दोनों मुत्तहिद हो जाएंगे और तमाम तुर्क कबाइल की हिमायत भी हमें हासिल हो जाएगी। यह इत्तेहाद वसीलियस के इरादों पर पानी फेर देगा। इज़निक के बादशाह को जब मालूम होगा कि इस इत्तेहाद से हम और मजबूत हो गए तो वो तिलमिला उठेगा। वो वसीलियस आलियार साहब को कभी सरदार नहीं बनने देगा भाई, क्योंकि वो नहीं चाहता कि खित्ते में अमन सुकून हो। वो बराह रास्त मुलव्वस होकर अमन सुकून खराब नहीं करेगा, बाज़ंतीनी चालें चलेगा वो। इसीलिए उसकी कोशिश थी कि लास्कर इसको यहां से ले जाकर वो अपनी मनमानी करे। भाई वसीलियस अपने दुश्मनों को कभी मुत्तहिद होते देखना नहीं चाहेगा, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अमीर सादतीन वो यकीनन इस साजिश में मुलव्वस है। वो आखिर चाहता क्या है, क्या मंसूबे हो सकते हैं उसके? कुपैक की हसला था अगर वो कोई फितना ना पैदा करे तो उसे नींद ना आए। वो एक बार फिर नई मुसीबत के साथ सामने खड़ा है हमारे। पहले भी उसने कई मुश्किलात खड़ी की हैं। अल्लाह की मदद से तुम खुद को बचाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन तुम्हें आज के बाद से कुपैक की हर हरकत पे नजर रखनी पड़ेगी। कुपैक मुझसे नाराजगी और मेरी मुखालिफत में किसी से भी इत्तेहाद कर सकता है वालिदा। किले जाकर उसने वसीलियस उससे क्या बात की, क्या तलब किया और क्या वादे किए? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हम अंधेरे में रहेंगे वालिदा। लगता है कि आप मुझे कोई अहम जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं मोहतरम। पेट्रोस, तुम दोनों अब वो काम करोगे जिसके लिए तुम पैदा किए गए। क्या शर्फ पाया है, तुम दोनों सल्तनत के लिए बहादुरी की मिसाल बन जाओगे। तारीख में तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। नौमौलूद बच्चों के नाम तुम्हारे नाम पे रखे जाएंगे। पेट्रोस और लास्करस, इस दुनिया में झेली जाने वाली मामूली असियत तुम दोनों सूरमाओं को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देगी। क्या नसीब है। हुक्म कीजिए आप। सादतीन से कहूंगा मैं कि उराल बेकसूर है। लास्कर इस और तुमने उसे इस मामले में फंसाने के लिए इल्जाम लगाया था उस पर, और जाहिर है कि तुम इसका एतराफ करोगे। इस तरह से इस मामले का पूरा इल्जाम सलीबियों पर जाएगा। तुम ताजर हसन अर्तुरुल भी तुम्हें देखकर फौरन पहचान जाएगा, और हेलेना भी। जब तुमने काफले पर हमला किया था और अफसर आला को मौत के घाट उतार दिया था हेलेना की आंखों के सामने, वो यकीनन तुम्हें पहचान जाएगी। ये काफी नहीं होगा जनाब, यकीनन सबूत चाहिए होंगे उन्हें। क्या कहा, कहां है सबूत? पेट्रोस याद करो, सबूत कहां है ताजर हसन, याद करो।
अर्तुरुल ने जब सराय पर हमला किया था। पेट्रस, पेट्रस, हमें फौरन निकलना होगा यहाँ से। जाओ घोड़े तैयार करो जाके। वो दस्तावेज जो मैंने वहां से निकाले थे। हाँ, अगर कोई शहर जमीन पर उस सजा को रोक सकती है तो वो किताब है और तुम हो पेट्रस। तुम याद रखना। उराल को जिंदा रहना होगा। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे। पेट्रस, तुम पर इल्जामात लगाए जाएंगे, हो सकता है तशद्दुद भी किया जाए। इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हो तुम, सही कहा ना मैंने? हर तशद्दुद बर्दाश्त कर चुका हूं मैं, लेकिन तुम परेशान मत होना। जिस तरह पहले मैंने लास्कर इसको बचाया था, तुम्हें भी उसी तरह बचाऊंगा मैं। तुम फिर मेरी खिदमत पर मामूर हो जाओगे। मुझे आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं। अमीर सादतीन को खबर भिजवाओ फौरन। उसका किले में मुंतजर हूं मैं। वो फौरन यहां पहुंचे ताकि हर तरह से अमन सुकून यकीनी बनाया जा सके। खुदावंद तुम्हारी मदद करे पेट्रस। क्या मैं अंदर आ सकता हूं अमीर सादतीन? आ जाओ। आप मुझसे मिलना चाहते थे अमीर सादतीन? शर्फ है मेरे लिए। जी बिल्कुल, आजार साहब आइए। मेरी बात को गौर से सुनिएगा आजार साहब, और यह बात कबीले के दूसरे सरदारान तक भी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं कबीले के मुस्तकबिल का इन्हिसार इन्हीं बातों पर है। चावदार की सरदारी के लिए आप भी उम्मीदवार होंगे। अमीर सादतीन और आलियार साहब, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो बस। चावदार कबीले को किसी लायक और वफादार सरदार की जरूरत है। इस बात से मैं और सल्तनत दोनों मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं। मेरे दिल में आपके और सल्तनत के लिए बेपनाह एहतराम है अमीर सादतीन। जैसा आप मुनासिब समझेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। आला, गाय के भेस में काफले पर हमला करके अफसर आला को मारने वाला यह पेट्रस ही था। हेलेना भी इसको देखते ही फौरन पहचान लेगी, और अर्तुरुल भी। अर्तुरुल भाई ने इसे यह रात अपने कबीले में गुजारने के लिए भेजा है ताकि अपने प्यारों से मिल ले। ये जो आग तुम्हारे दिल में रोशन है, इसे उसके दिल में रोशन होने का इंतजार करना होगा। अगर वो भी तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो कोई रुकावट नहीं आ सकती तुम्हारे दरमियान। जो मैंने कहा उसे भूलना मत। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी।